बाबा से बुलंद सलावात पढ़ें। जी अब नशिस्त जो है वो सवाल जवाब की है, तो आप सवाल भी कर सकते हैं। जी कबला, मेरा एक सवाल है थी, मसाइल दिया गया हवाले से। अगर सब सवाल ये है कि जब किसी मरीज़ का जो दिमागी हालत है वो काम करना छोड़ दें, तो मतलब दिमागी तौर पर मुर्दा करार दें डॉक्टर वगैरह, तो क्या इस के जिस्म से जो जिंदा रखने वाली मसनूई मशीन है उसको गुदा करना जायज़ है, जबकि इस बात का इलम भी हो कि मरीज के दीगर अज़ा है उनमें हरकत अभी बाकी है, तो इसके बारे में क्या आपको नहीं? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। इस तरह अगर जवानों में शऊर आ जाए कि सवालात जो हैं हम आम तौर पर देखते हैं सोशल मीडिया पे, नमाज के, रोज़े के, इस तरह के सवालात तो आम तौर पर मिलते हैं, लेकिन इस तरह गैर सवाल और इल्मी सवाल जो जदीद अंदाज में पेश आ रहे हैं और मसाइल पेश आ रहे हैं, उसको बहुत कम लोग हैं जो फ्रंट पे ले आते हैं, सामने ले आते हैं, क्वेश्चन रेज़ करते हैं। तो मैं तहसीन पेश करता हूँ सवाल करने वाले को। इकरमुल्ला, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और हूबहू यही सवाल जो है आयतुल्ला सीसानी से पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया है और इस वक्त उर्दू ज़बान में वो छप भी चुका है, मसाइल तिब्बिया के नाम से किताब है और जिसमें मसला नंबर जो है गालबन 51 है, तो इसको आप मुतालिया करें तो आपको मालूम होगा। मैं इसको मिनवान इसका सिर्फ जवाब आपके खिदमत में पेश कर देता हूँ। जब तक हरकत कर रहा हो दिल, जब दिल वो मूवमेंट कर रहा हो, अपनी हरकत खून पंप कर रहा हो और दौरान खून जारी हो, तो उस वक्त तक मरीज़ के जिस्म से मसनूई तौर पर ज़िंदा रखने वाले आलात को जुदा करना जायज़ नहीं। बाबा से बुलंद सलावात पढ़ें। बहुत शुक्रिया।